नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर पालिका के दमकल ने तत्परता से आग पर काबू पाया। नगर में सोमवार और सुबह नगर पालिका के दमकल को मशीनरी दुकानों पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने दोनों दुकानों पर आग बुझाने में तत्परता दिखाई। वहीं इस मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जानकारी दुकान संचालकों से ली। पहली घटना रेवा गुर्जर स्कूल के पास पटेल मशीनरी पर हुई है, जहां दुकान में रखे पाइप आग से झुलस गए। दुकान संचालक लक्ष्मी नारायण पटेल ने बताया कि हमारी पुरानी दुकान गुर्जर छात्रावास की मार्केट में स्थित है, जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाकर पाइप जलाकर दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहीं नगर पालिका के दमकल ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस बीच करीब 20 से 25,000 के पाइप जलकर राख हो गए हैं। वहीं दूसरी घटना मोटक्का चौराहे पर स्थित खनुजा मशीनरी पर हुई है। दुकान संचालक पिंकू खनुजा ने बताया कि दुकान के सामने स्थित लोगों ने आग लगने की सूचना दी। जब जाकर देखा जब तक करीब 50 से अधिक का पाइप जो बाहर रखा था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने के संबंध में कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की घटना की गई है, जिसके बाद पुलिस में भी जानकारी दी गई। वहीं नगर पालिका के दमकल कर्मी रवि माली और राजेश मोरे ने तत्परता दिखाते हुए दोनों मशीनरी दुकान पर लगी आग को बढ़ने से रोका और बुझाकर उस पर काबू पाया। वहीं पुलिस भी दुकान संचालकों की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।